अप्रोक्सीमेटली पाइल्स अफेक्ट करता है 35% ऑफ एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड दिस इज मोर कॉमन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। मैं हूँ डॉक्टर पीयूष और मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रिस्टीन केयर के यूट्यूब चैनल पे। मैं एक जनरल सर्जन हूँ और 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रिस्टीन केयर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोक्टोलॉजी सर्जरीज करते हैं और इसका सबूत है हमारे 20 लाख से भी ज़्यादा ट्रीटेड और सेटिस्फाइड पेशेंट्स। प्रिस्टीन केयर इज़ ऑल्सो अवार्डेड एज द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन प्रोक्टोलॉजी सर्जरीज इन इंडिया। सो दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी मेडिकल क्वेरीज को हम सॉल्व करें ईजी तरीके से ताकि यू कैन लीड अ हेल्दी एंड फिट लाइफ। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आइए पहले समझते हैं कि पाइल्स होता क्या है। सो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये है एनल कैनल की एनाटॉमी। सो ये है एनल ओपनिंग, दिस इज ये है एनल वर्ज, यहाँ होती है एनल कुशंस, इसके ऊपर होता है रेक्टम। सो पाइल्स होता क्या है? पाइल्स मतलब डायलेटेड या सोलन रेक्टल या एनल वेन्स, सो दैट इज कॉल्ड एज पाइल्स। अब पाइल्स में होती है चार प्रकार की ग्रेड्स, दैट इज ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। सो ग्रेड मतलब प्रोमिनेंट हेमोराइडल टिश्यू जो अंदर की तरफ रहता है, दैट इज ग्रेड 1। ग्रेड 2 मतलब प्रोमिनेंट हेमोराइडल टिश्यू विथ अ कंपोनेंट ऑफ प्रोलैप्स जो अपने आप ही अंदर चला जाता है। देन देर इज ग्रेड 3, दैट इज प्रोमिनेंस ऑफ द हेमोराइडल टिश्यू विथ प्रोलैप्स जो अपने आप अंदर नहीं जाता, फिंगर से अंदर डालना पड़ता है। एंड देन देर इज ग्रेड 4, दैट इज द प्रोट्रूजन और प्रोलैप्स ऑफ द होल ऑफ द हेमोराइडल टिश्यू जो होता है ग्रेड 4, जो कभी अंदर नहीं जाता। सो ये हो गए चार ग्रेड्स पाइल्स के, 1, 2, 3 एंड 4। सो इसी तरह से जो अंदर में रहते हैं पाइल्स उनको इंटरनल हेमोरॉइड्स बोलते हैं, जो बाहर रहता है उसको एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बोलते हैं, और जो अंदर से बाहर आता है उसको इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरॉइड बोलते हैं। सो दोस्तों, ये हो गई एनाटॉमी पाइल्स की एंड क्या होता है पाइल्स। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में पाइल्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले फीटल या यूटराइन कंप्रेशन। जब प्रेगनेंसी होती है तो गर्भाशय की साइज़ भी बढ़ती है क्योंकि उसमें फीटस रहता है, और जब गर्भाशय की साइज़ बढ़ती है तो वो आजू बाजू की आँत पर कंप्रेशन इफेक्ट डालती है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और ये पाइल्स का एक कारण बनता है। दूसरा कारण, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। प्रेगनेंसी में फीमेल की बॉडी में, फीमेल पेशेंट की बॉडी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्योंकि बच्चे के लिए भी पोषण देना बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रेक्टल या एनल एरिया की भी वेन्स डायलेट होती है, जिसमें कि पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड कारण, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कॉमन होता है, और अगर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो भी पाइल्स का कारण बनता है। फोर्थ, हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होती है, जिस वजह से जिसका इफेक्ट रेक्टल और हेमोराइडल टिश्यूज पे भी होता है जो पाइल्स बनाती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में पाइल्स को कैसे अवॉइड किया जाए। सबसे पहले तो फाइबर इंटेक बढ़ाना है। फाइबर इंटेक बढ़ने से कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत नहीं होगी जो पाइल्स को बनाने में मदद नहीं करेगी, और आप पाइल्स से बच सकते हैं। सेकंड, इंक्रीज वाटर इंटेक। हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, और अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन अच्छा करते हैं तो इससे आप पाइल्स से बच सकते हैं। थर्ड, अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग और लॉन्ग सिटिंग। लंबे समय के लिए बैठने से या खड़े रहने से रेक्टल वेसल्स या एनल वेसल्स जो है वो डायलेट होती है, जिस वजह से पाइल्स की संभावना बढ़ जाती है। तो लंबे समय के लिए बैठना या खड़े रहना अवॉइड करना है। देन लैक्सेटिव यूज़ कर सकते हैं, जो स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं जो आप यूज़ करते हो, अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो स्टूल सॉफ्टनर्स यूज़ करने चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत मिले। देन अवॉइड करना है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग पासिंग स्टूल्स। सो स्ट्रेन करना अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टाइम सिटिंग ऑन कमोड ये अवॉइड करना चाहिए, जो जिससे कि आप पाइल्स से बच सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जो आप फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि आप पॉइल्स को अवॉइड करें। इसमें एक चीज़ जानने वाली ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान पॉइल्स की सर्जरी करना बच्चे के लिए थोड़ा हानिकारक रह सकता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ये सर्जरी अवॉइड की जाती है। बाकी अगर आप इस समस्या से सफ़र करते हैं तो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी या समस्या है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपकी समस्या को सुनेंगे और आपको सही सलाह देंगे। प्रिस्टीन केयर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्जरीज करते हैं प्रोक्टोलॉजी में। याद रखें दोस्तों, आपकी हेल्थ और फिटनेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन प्रिस्टीन केयर। अपनी पाइल्स, फिशर या फिस्टुला से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए और सही सलाह पाइए।